आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हर सफल महिलाओं की कामयाबी में पुरुष की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। ये पुरुष पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, या फिर पति हो सकता है। दरअसल हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड को चमचमाती दुनिया में हीरो या फिर हीरोइन की कामयाबी तो सब देखते हैं, लेकिन उनके इस मुकाम तक पहुंचाने वाले उनके हकदम या फिर उनके हमसफर के संघर्ष के बारे में कोई नहीं सोचता। नमस्कार, मैं हूँ फराह खान और आप देख रहे हैं Next9 न्यूज़, और मैं लेकर हाजिर हूँ एक ऐसी महिला की कहानी जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपना बहुत बड़ा कद बनाया है, जो है मान्या शेट्टी। एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने पति सुनील शेट्टी की सफलता को कभी अपनी ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि खुद के लिए ऐसा मुकाम तराशा जिसे उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। मायना की बात करें तो कहती भी है, मैं हमेशा माना शेट्टी नहीं रहती हूँ क्योंकि मेरी एक अलग पहचान है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सुनील हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि जब मैं अपने दम पर कुछ कर सकती हूँ तो आप केवल एक सेलिब्रिटी की पत्नी नहीं रहती हैं। तो चलिए आपको इनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें बताती हूँ, देखिए हमारी खास। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी का मुंबई के सबसे पॉश एरिया में H20 नाम का एक रेस्टोरेंट है। उनके इस रेस्टोरेंट की शाखा मुंबई के अलावा दक्षिण भारत में भी है। इसके अलावा सुनील का अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नाम पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट है। इतना ही नहीं, उनकी फैमिली का खुद एक बुटीक का बिजनेस भी है। लेकिन आज हम आपको सुनील की कामयाबी के बारे में नहीं बल्कि उनकी पत्नी की संपत्ति के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस वक्त सुनील शेट्टी को कमाई के मामले में पीछे छोड़ चुकी है। आपको बता दूं, सुनील शेट्टी की पत्नी का नाम माना शेट्टी है। वो ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहती है। माना शेट्टी का नाम भारत की सबसे पावरफुल बिजनेस वुमेन में गिना जाता है। वे एक साथ कई बिजनेस को बखूबी संभाल रही हैं। हर कोई उनके बिजनेस संभालने के ढंग से प्रभावित हो जाता है। सफल बिजनेस वुमेन होने के साथ साथ माना एक सोशल वर्कर भी है। आपको बता दूं, माना शेट्टी अपने पति सुनील के साथ मिलकर एक बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी चला रही है। वहीं अगर माना की सालाना कमाई की बात करें तो वो सुनील से कहीं ज्यादा कमाती है। वैसे माना शेट्टी को जब भी कोई सेलिब्रिटी की पत्नी कहकर बुलाता है तो उन्हें काफी निराशा होती है। माना मानती है कि वह केवल एक सेलिब्रिटी की पत्नी नहीं है बल्कि उनकी अपनी एक अलग पहचान है। मशहूर फैशन डिजाइनर होने के अलावा माना एक गैर सरकारी संगठन चलाती है। वह बच्चों की सहायता के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन कर पैसा भी एकत्र करती है। माना कहती है कि सुनील का नाम मेरे लिए एडवांटेज की तरह है और मैं इसे इनकार नहीं करती हूँ। मैं उनका नाम अपने पासपोर्ट पर उनकी पत्नी के रूप में इस्तेमाल करती हूँ और वो मेरी माँ के गैर सरकारी संगठन के ब्रांड एम्बेसडर भी है। वाकई जिस तरह की सफलता की कहानी माना ने बुनी है, उस हर महिला प्रेरणा ले सकती है और अपनी जिंदगी में खुद के लिए एक अलग मुकाम बना सकती है। सुनील ने भले ही हर कदम पर अपनी पत्नी का साथ दिया हो, लेकिन कुछ करने के जुनून से माना को आज सफल बिजनेस वुमेन का दर्जा दिलाया है। बिजनेस के साथ साथ माना ने अथिया और आहान शेट्टी को परवरिश भी बेहद शानदार ढंग से की है। हालांकि अथिया ने फिल्मी दस्तक देकर अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया है, लेकिन देखना होगा कि क्या आहान भी फिल्मी दुनिया के हिस्सा बनेंगे या फिर बिजनेस में अपनी माँ माना शेट्टी का हाथ बटाएंगे। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। बने रहिए Next9 न्यूज़ के साथ।